Good morning, students. So today we will discuss about Merric's differential piece rate system or Merric's plan. This system is a modification of Taylor's differential piece rate system. जो Merric's differential piece rate system है वो Taylor की जो piece rate system था उसकी ही modification है, क्योंकि Taylor ने two types के piece rate रखे थे, 80% of normal piece rate और 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट. बट Merric ने क्या किया, देखते हैं फीचर्स क्या हैं इसके. इन दिस सिस्टम थ्री पीस रेट्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिगनर्स, द एवरेज वर्कर्स एंड द सुपीरियर वर्कर्स. Merric ने क्या किया, थ्री टाइप्स के पीस रेट जो हैं वो सेट किए, जिसमें क्या था, उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना था कि बिगनर्स जो वर्कर्स हैं उनमें, एवरेज वर्कर्स में और सुपीरियर वर्कर्स में. क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो अभी फ्रेशर्स होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि ज़्यादा प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, वो अभी उनकी जो स्टेज होती है वो सीखने की होती है. देन एवरेज वर्कर्स कौन होते हैं, जिनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो एवरेज होता है, ठीक है, उनकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होती, वो जैसे बिगनर्स और सुपीरियर वर्कर्स के सेंटर में ही रह जाते हैं. देन सुपीरियर वर्कर्स कौन होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस लेवल अप टू स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा हो जाती है समटाइम्स. क्लियर, तो हम देखते हैं क्या है आगे. स्टैंडर्ड आउटपुट एंड पीस रेट विल बी फिक्स्ड अंडर Merric's डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. Merric ने भी स्टैंडर्ड आउटपुट और पीस रेट जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, पहले से ही फिक्स कर दिया कि क्या होगा. देन अप टू 83% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रेट और नॉर्मल पीस रेट विल बी फॉलोड. अगर वर्कर की एफिशिएंसी जो है वो अप टू 83% है तो वर्कर को नॉर्मल पीस रेट के अकॉर्डिंग ही उसको सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगी. बिटवीन 83% टू 100% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, 110% ऑफ नॉर्मल रेट. अगर वर्कर की जो एफिशिएंसी लेवल है वो 83% से 100% के बीच में है, इन बिटवीन है, तो वर्कर को 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट जो है वो वेजेस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग. अगर मोर देन 100% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट है, अगर वर्कर सुपीरियर वर्कर है, राइट, तो उसको कितनी वेजेस मिलेंगी, 120% ऑफ नॉर्मल रेट. आगे हम देखेंगे इसकी फॉर्मूलाज. फॉर्मूला है, इफ प्रोड्यूस्ड अप टू 83%, अगर वर्कर जो है वो फ्रेशर मान लो, ठीक है, तो उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो 83% तक है, देन लेवल ऑफ एफिशिएंसी इनटू नॉर्मल पीस रेट. क्लियर, इफ प्रोड्यूस्ड बिटवीन 83% टू 100%, देन फॉर्मूला क्या होगा, लेवल ऑफ एफिशिएंसी इनटू नॉर्मल पीस रेट इनटू 110%. इफ प्रोड्यूस्ड मोर देन 100%, देन लेवल ऑफ एफिशिएंसी इनटू नॉर्मल पीस रेट इनटू 120%. और अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वर्कर की क्या एफिशिएंसी है, तभी हम फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे, तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एक्चुअल आउटपुट इनटू 100 ओवर स्टैंडर्ड आउटपुट. एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड आउटपुट 200 यूनिट्स, पीस रेट 10 पैसे, ठीक है, 0.10. सॉल्यूशन है, ए वर्कर की क्या आउटपुट है, 160 यूनिट्स, ठीक है, तो हमने एफिशिएंसी देखी वर्कर की क्या है, 80%. ये फॉर्मूला अप्लाई करके एफिशिएंसी का हमने देखा कि वर्कर ए की एफिशिएंसी है 80%, तो इसको बोनस क्या मिलेगा, निल, क्योंकि Merric ने क्या बताया कि अप टू 83% ऑफ एफिशिएंसी वर्कर को कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, उसको नॉर्मल पीस रेट के अकॉर्डिंग ही वेजेस मिलेंगे. तो वर्कर ए की वेजेस बन गई 160 इंटू 0.10, दैट इज 16 रुपीज. वर्कर बी की देख लेते हैं, आउटपुट है 180 यूनिट्स, एफिशिएंसी क्या आई, 90%, ठीक है, तो बोनस क्या मिलेगा, 110%, क्योंकि वर्कर बी ने 83% से लेके 100% के बीच में, इन बिटवीन उसकी प्रोडक्शन हुई है, दैट इज 90%, तो उसको मिलेगा बोनस 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, ठीक है. तो कैलकुलेट करके वर्कर बी की जो वेजेस है वो आ गई 19.8 रुपीज. वर्कर सी की प्रोडक्शन है 220 यूनिट्स, तो वर्कर सी की जो एफिशिएंसी लेवल है कैलकुलेट करके देखा तो आया 110%, ठीक है, तो वर्कर सी को बोनस कितना मिलेगा एफिशिएंसी के लिए, 120%, राइट, तो इसकी वेजेस क्या आएंगी, 220 जो वर्कर सी है उसकी क्या है, प्रोडक्शन
पॉइंट टेन क्या है नॉर्मल पीस रेट, ठीक है, और 120% क्या है बोनस, ठीक है। तो उसकी जो सैलरी है वो क्या बन गई, 26.4 रुपीज़। क्लियर?